दीवारों पे इस तरह से पूरे रामचरितमानस का वर्णन आप सबको देखने को मिलने वाला है। तो बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो चलिए शुरू करती हूँ। पूरा रामचरितमानस का वर्णन है, देखिए रावण के वध के पुष्प का वर्षा, पूरे रामचरितमानस का वर्णन है इस पूरे धर्म मार्ग को। श्री राम जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिस बह सरजू पावन। तो मैं पहुंच चुकी हूं अयोध्या नगरी में और आपने साथ साथ आप सबको घुमा रही हूं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे देख पा रहे हैं, मैं अयोध्या नगरी में पहुंच चुकी हूँ और किस तरह से रामायण के ऊपर मर्यादा और वचनों का आदर्श बनाया गया इस धर्म पथ को, यहाँ पर आने के बाद जो आनंद की अनुभूति हो रही उसके अनुभव को बताना बड़ा ही मुश्किल है। फ्रेंड्स, आप सभी खुद महसूस कर पा रहे होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे आ चुके होंगे। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ यहाँ की एक एक चीज शेयर करती हूँ इस पथ का। तो जितना मुझसे हो पाया मैंने किया और हरियाली भी पूरी है। चलिए थोड़ी देर आप इस मार्ग को पूरा रामायण से एक एक चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। रामायण में अयोध्या का विशेष वर्णन में जहाँ रामराज्य की स्थापना हुई थी, अयोध्या की पवित्रता और धार्मिक महत्ता के कारण ही यहाँ हर साल फ्रेंड्स हजारों श्रद्धालु आते हैं और यह नगरी संपूर्ण विश्व में राम भक्ति और सनातन धर्म के प्रतीक के रूप में विख्यात है, यह आप सबको पता होगा। लेकिन ये इतना खूबसूरत हो गया, इतना खूबसूरत हो गया ये दीवारों पे जो बनाया गया है एक एक चित्र, मतलब सामने से देखने पे लग रहा है ना कि एक एक चीज सामने से देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बोल रही थी लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल, मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी, बहुत आवाज आ रही थी क्योंकि पूरा चलता हुआ रोड था। पूरे दीवारों को ऐसा सजा दिया ना, मालूम हो रहा था मतलब बिल्कुल पता नहीं, मैं अकेले टहल रही थी लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, क्या स्थान त्रेता युग से ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। सब सीमेंट से बना हुआ बहुत और हाँ फ्रेंड्स, हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या से ही धर्म सत्य और न्याय की स्थापना की थी। और हाँ गाइस, एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगी कि जब भी अयोध्या आए तो थोड़ा टाइम लेके आए क्योंकि बहुत ऐसी जगह जो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा ऐसा बना दिया गया है। और धर्म पथ पे मुझे बहुत टाइम लग गया और जितना हो सका मैंने कवर किया, लगभग कर ही लिया है। और रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे, इसका भी ब्लॉग मैंने बनाया, वो भी बहुत अच्छा हो गया। तो सच में अयोध्या नगरी बिल्कुल
उस समय कितना अच्छा लग रहा होगा ना जब राजा राम का अभिषेक होता है, एक एक चीज दीवारों पे जो ना एकदम जैसे लग रहा बोल रही है, ये चित्र एकदम जैसे लग रहा है ना बोल रही है उनको। जब मैं देख रही थी तो बिल्कुल मैं उस समय में पहुंच गई थी, तो मुझे काफी टाइम लगा। अभी आप सब देखेंगे कि चलते चलते मैं कब आई थी और कितना टाइम हो गया। और इन चीजों को दोबारा नहीं बोल रही क्योंकि फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, वहां मैं बोली थी लेकिन मेरी आवाज बहुत आवाज के साथ रावण के बस के पुष्प का वर्षा, पूरे रामचरितमानस का वर्णन है इस पूरे धर्म मार्ग को। गाइस देखिए यहाँ चलते चलते काफी टाइम हो गया और अभी लाइट भी जलने का जैसा लग रहा है टाइम हो गया है। और हाँ एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि बोलने में अगर कहीं मुझसे कुछ त्रुटि हो गई है तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि बोलते समय ना कभी कभी जुबान है तो कभी कभी लड़खड़ा ही जाती है। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि गलत ना हो कुछ। तो ये चलिए देखिए लाइट चलने का समय आ गया है और मैं एक तरफ से मैं घूम ली हूँ, अब दूसरी तरफ से आ रही हूँ। इधर से देखिए गाड़ियां अंदर की तरफ जा रही है और मैं आगे इधर ही रुकी थी, तो उधर से मैं पूरा अपना घूम रही थी, टहल रही थी, देख रही थी मस्ती के साथ। और बहुत यहाँ भी काम चल भी रहा है जो कि मुझे लगता है दिवाली तक पूरा हो जाएगा। पता नहीं मैंने आगे बोला है कि नहीं बोला, मुझे याद नहीं आ रहा गाइस, अगर दोबारा बोल दिया तो क्षमा करिएगा। तो जो है वो काम भी चल रहा है, जगह जगह पे यहाँ काम चल रहे हैं और कोई भी चीज बनता है तो सही बात है इतने आसानी से पूरा नहीं। देखिए कितने लोग ब्लॉग बना रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखने में सच में ऐसा लग रहा है कि मैं देखी हूँ। तो देखिए लाइट जल चुकी है, अब देखिए इसका नजारा। और ये मार्ग रात दिन चलता रहता है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कितना टाइम हो गया और पूरी टोली बना बना के लोग चल रहे थे। तो बहुत सुखद अनुभव है उस मार्ग का। चलते चलते अब मैं पहुंच चुकी हूँ अद्भुत सूर्य स्तंभ के पास, जो कि रघुवंशियों का प्रतीक है और यहीं पे सूर्य उदय भी होते हैं, अस्त भी होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से देख रहे हैं और किस किस ने देखा है, तो कमेंट जरूर करेंगे। और एक बार जय श्री राम का कमेंट जरूर करें। करती हूँ फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आप सबको मैं मिलूंगी एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।